हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल महाकाल कंस्ट्रक्शन पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो पर अपन बात करने वाले हैं 6x6 इंची की रिंग किस तरीके से बनाई जाती है, मतलब 15x15 सेंटीमीटर पर अपन रिंग किस तरीके से बनाते हैं। तो दोस्तों, इसमें सबसे पहला क्वेश्चन होता है कि सरिया कितना काटना है, मतलब कटिंग लेंथ क्या होगी जब 6x6 की अपन रिंग बनाएंगे, और कहाँ से बेंड किया जाता है, मतलब कहाँ से कितना मोड़ा जाता है सरिया, इसी टॉपिक पर अपन बात करने वाले हैं आज। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं सरिया कितना काटना है। तो सरिया अपन इसमें 26 इंच का काटेंगे। दोस्तों, सरिया इसमें 26 इंचेस का काटा जाएगा। अब दोस्तों, हम आपको रिंग बनाकर दिखाने वाले हैं, मतलब स्ट्रिप बना के बताने वाले। तो देखिए, सबसे पहला स्टेप जो होता है उसमें अपन एक इंची ज़्यादा लेकर चलते हैं, मतलब 6x6 की रिंग बना रहे हैं तो ये 7 इंची पर बेंड किया जाता है। फिर देखिए, इसमें 6-6 इंची पर बेंड किया जाता है दोनों साइड से, और जो मतलब फर्स्ट लास्ट पोर्शन होता है सरिया का वो ऑटोमेटिक 7-7 इंची पर आ जाता है। और देखिए दोस्तों, ये अपनी रिंग कंप्लीट हो चुकी है। अब जो ये सरिया बचा है, ये होती है हुक, ये होता है हुक। इसके लिए 1-1 इंची का मार्जिन लिया जाता है। दोस्तों देखिए, इस तरीके से ये अपन ने 1-1 इंची को बेंड करके हुक बना दिया है। तो दोस्तों, इस तरीके से रिंग बनाई जाती है। तो चलिए दोस्तों, अब हम इसका मेजरमेंट करके बताएंगे आपको, मतलब नाप करके बताएंगे इसका कि 6x6 की रिंग बनी है परफेक्ट या नहीं। तो देखिए दोस्तों, ये लेंथ में देखी जाए तो 6 इंची परफेक्ट है, मतलब 15 सेंटीमीटर, और ब्रेथ में मतलब चौड़ाई में भी 15 सेंटीमीटर है, मतलब 6 इंची है। और हुक देखा जाए तो दोस्तों देखिए, 1-1 इंची पर ये हुक आया है इसका, देखिए दोस्तों। तो दोस्तों, इस तरीके से रिंग बनाई जाती है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे चैनल महाकाल कंस्ट्रक्शन को सब्सक्राइब कर दीजिएगा एंड प्रेस द बेल आइकन, जिससे हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले नंबर पर आए। थैंक यू सो मच गाइस।